नमस्कार दोस्तों, हमसे हमारे चाहने वाले हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फैंस हैं, जो वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से बाहर की कुछ सीटों के बारे में भी ज़रूर बताएं, ख़ास तौर से उन सीटों की जो उत्तर प्रदेश से लगती हुई हैं और जहाँ पे चुनाव पहले चरण में ही होने जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बेटर है हम उत्तराखंड की किसी लोकसभा सीट के बारे में बात करें, और उत्तराखंड की भी सबसे मशहूर लोकसभा सीट हरिद्वार के बारे में क्यों ना बात की जाए। हरिद्वार वर्ल्ड फेम धर्म नगरी है और यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाता है वो बड़ा ही टिपिकल होता है। यहाँ का साफ रिकॉर्ड है कि एक बार जो एमपी बन गया दोबारा एमपी बनने का नंबर नहीं आता उसका। ये ट्रेंड पहले भी रहा है जब ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और उत्तराखंड का है जब से बना है 2002 से, उसके बाद से भी यही स्थिति यहाँ पे रही है। 2002 में यहाँ पहली बार जब चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड बनने के बाद पहला चुनाव यहाँ पे हुआ था। तो हरिद्वार के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पर पिछली बार 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के पहले भाजपा के, वो जीते थे और भाजपा की लहर थी। 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, पांचों की पांचों भाजपा ने जीत ली थी 2014 में। और इसके बाद जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी वो निशंक के अनुरूप नहीं रही। निशंक को यहाँ पर दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ा है। निशंक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रही कि यहाँ के जो लोकल भाजपा नेता हैं मदन कौशिक और जो विधायक भी रहे हैं पहले, उनके साथ यहाँ उनकी ठनी रही, उनकी नहीं बनी। दोनों के बीच में लगातार उठा पटक चलती रही और यही रहा कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, उनका विरोध भी होता रहा, इस तरह की तमाम बातें सामने आती रही। बहरहाल निशंक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, तो उन पर विश्वास जताया पार्टी ने और उन्हें प्रत्याशी अपना बना दिया गया। बहरहाल अब इस बार जो स्थिति है वो मैं आपको बताऊं कि उनके सामने, निशंक के सामने कांग्रेस की ओर से अमरीश कुमार और बसपा की ओर से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा के बारे में बताऊं कि ये बसपा का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है यहां पर, और पिछली बार 2014 में यहां दूसरे नंबर पर जो कैंपेन चली थी उसमें सबसे बड़ी स्थिति ये रही थी कि बसपा ने जबरदस्त फाइट दी थी और बसपा यहाँ पर एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट में पहुँच गई थी। और जब निशंक ने हराया था रेणुका रावत को, जो कि हरीश रावत की पत्नी है, रेणुका रावत उनकी पत्नी, हरीश रावत बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के, बड़े नेता हैं, और उनकी पत्नी को हराया था निशंक ने और 50% से अधिक वोट ले गए थे निशंक और 35% के करीब वोट मिले थे रेणुका को, और बसपा 25% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। बसपा का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और आप शायद ना जानते हो लेकिन 1989 और 1991 में मायावती लगातार दो बार यहाँ से चुनाव लड़ी लोकसभा का, ये अलग बात है कि जीत नहीं पाई। यहाँ का कास्ट समीकरण हरिद्वार का कुछ ऐसा ही है। हरिद्वार में मैं आपको बताऊं तो ठाकुर वोट 25% के करीब है और ब्राह्मण वोट 22% और दलित वोट यहाँ पे 22% है, 22-23% है, और मुस्लिम वोट 26% हैं, 26% वोट है मुस्लिम। और कई बार मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार धर्मनगरी हिंदुओं की जरूर है लेकिन यहाँ पर जो नगर पालिका का चेयरमैन है वो मुस्लिम भी रह चुका है, तो यहाँ पे मुस्लिम वोट भी बहुत मायने रखते हैं और 5% अदर वोट है यहाँ पर। तो इस लिहाज से ये जो चुनाव है वो निशंक का आसान नहीं रहने जा रहा है, यहाँ पर उन्हें टफ चुनाव झेलना पड़ेगा। और इस बार चूंकि गठबंधन एक हो गया है, गठबंधन एक होने का मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का था और आरएलडी का था, वो इम्पैक्ट बिल्कुल उत्तर प्रदेश से चिपकी हुई हरिद्वार सीट पर जरूर मिलेगा। हरिद्वार की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जिलों से मिलती हुई है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट गठबंधन का जरूर आएगा। और मुझे ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भाजपा का मुकाबला बसपा के प्रत्याशी से ही हो जाए, बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर खिसक जाए। बहरहाल ये बहुत वीआईपी सीट है और इस सीट पर चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। पहले ही चरण में यहाँ 11 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड की और सीटों के बारे में भी हम अपनी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। बहरहाल पहली न्यूज जो हमारी उत्तराखंड के बारे में है
वो है हरिद्वार लोकसभा सीट के बारे में। और यहाँ मुझे लग रहा है कि इस बार निशंक साहब जो कि सिटिंग एमपी हैं भाजपा के, वो मुश्किल में हैं और उन्हें चुनौती मिलने जा रही है। तो गठबंधन के प्रत्याशी से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी से, यहाँ पर सैनी भी बहुत बहुल्य हैं, दलित वोट बहुत हैं, मुस्लिम वोट भी शायद उन्हें ही मिलेंगे। अगर मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस से आता तो कोई दिक्कत नहीं होती निशंक को, लेकिन जो मेन वोटर्स हैं वो मेन वोटर्स मुझे लगता है कि इस बार डाइवर्ट होंगे बसपा के प्रत्याशी की तरफ। तो देखते हैं कि यहाँ क्या माहौल बनता है, चुनाव कैसा चलता है आगे। आप जरूर देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, हमारे साथ जुड़े रहिए। और प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये नहीं कि वीडियो देखा और आगे बढ़ गए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे। और ये एकमात्र चैनल है जिस पर हम लाइव बात करते हैं, हम शाम को भी और सुबह के समय भी कई बार लाइव होते हैं और उस पर आप हमारे से सवाल भी पूछ सकते हैं। और शायद ये पहला चैनल है जिस पर राजनीतिक पॉलिटिकल डिबेट इस तरह से खुलेआम होती है और हम क्वेश्चन आंसर के आपके जवाब देते हैं। तो आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।